बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स किसी बीमारी के अंदर मुब्तिला है, कोई भी बीमारी के अंदर मुब्तिला है, कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी ख़तरनाक बीमारी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी से शिफा पाने के लिए, हर बीमारी से हिफाजत के लिए आज मैं आपको कुरआनी एक ऐसा ख़ास पावरफुल मुजर्रबा अमल बताऊँगा कि जिसके ज़रिए से रब के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह ने चाहा तो आप हर बीमारी से महफूज हो जाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आयत मुक़द्दसा पढ़ करके सुना देता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको इसका पूरा तरीका जो है बताने वाला हूँ। तो तरीका बहुत ही आसान सिंपल है, अमल ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयश्फी सुदूरा क़ौमिन मुमिनीन वयुज़हिब ग़ैज़ा क़ुलूबिहिम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 14 और 15 है, ठीक है। उसके बाद में जो है अपनी इस आयत को लिखना है, लिख कर के जो है पानी से धो कर के जो है उस मरीज़ को आपने दिन में 3 टाइम पिलाना है जो मरीज़ बीमारी के अंदर मुब्तिला है। अल्लाह ने चाह तो चंद दिन गुजर नहीं पाएंगे, रब के फजल से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से बीमारी से शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। ये बेहतरीन ख़ास पावरफुल मुजर्रब अमल।